खबरों में बात करें सीएम सिटी करनाल की। करनाल के लाइन पार एरिया स्थित प्रेमनगर में एक पार्क में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसके सिर पर गहरी चोट के निशान लगे हुए थे। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव का मुआयना किया व कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए पोस्टमार्टम रूम भेज दिया गया। थाना सिटी इंचार्ज हरजिंदर सिंह ने बताया कि जैसे ही उनको सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव पार्क में पड़ा हुआ है, डेड बॉडी को सुअर और अन्य जानवर ने नोच रखा था। पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और मौके पर फोरेंसिक टीम बुलाकर फिंगरप्रिंट व अन्य कार्रवाई की गई। थाना इंचार्ज सिटी हरजिंदर सिंह ने बताया कि शव के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। शव को फिलहाल कब्जे में लेकर मर्चरी हाउस भेज दिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। यहां हम आपको बता दें कि प्रेम नगर में सीएम हाउस के समीप पार्क में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। फिलहाल मधुबन से फोरेंसिक टीम बुलाकर शव को मर्चरी हाउस में रख दिया गया है, जिसकी शिनाख्त करवाई जाएगी। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो क्या मैटर है पूरा बताइए। देखिए, रामनगर में एक पार्क में एक डेड बॉडी मिली है, जो हमें सुबह मैसेज मिला था। जैसे तुरंत प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंची है, पर वो जिस आदमी का फोन आया था और जात्रा भी यही देखा गया थे, उसको सुअर वगैरह कुछ जानवर नोच रहे थे उस डेड बॉडी को। जैसे वहाँ FSR टीम को बुलाया गया, मौके से डेड बॉडी को उठाकर मोर्चरी हाउस में लिया गया। तो अभी उसकी शिनाख्त नहीं हुई, जैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवा के जो भी होगी उसकी कार्रवाई की जाएगी। उनके शरीर पे कोई कपड़े नहीं बताए जा रहे? हाँ नहीं, शरीर पे कपड़े नहीं थे और सिर पर मरे खाया हुआ जरूर खाया हुआ। तो क्या आशंका जताई जा रही है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा क्या है, आगे क्या कार्रवाई की जा रही। जो भी होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जैसा भी इसमें होगा उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी।